नमस्कार दोस्तों, सीमा गुप्ता लाइफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने और मूंगफली का हलवा। तो चलते हैं, बनाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। कढ़ाई को रख देंगे, तब तक गर्म होगी। और इधर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर मैंने मूँगफली ली है और मूँगफली को भिगो लिया है। मूँगफली हमने 1 घंटे से भिगोई हुई है। अब इसे हम पानी को सुखा देंगे और इसे पीस लेंगे मिक्सी जार में, और इसे कढ़ाई में हम डाल देते हैं और इसे भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये कड़वा लगेगा। मखाने को हम रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये टूटने लगे तब पता लगेगा कि ये हो गया है। देखिए मखाने हमारे हो गए हैं, ये देखिए ये टूटने लगे, ये देखिए आसानी से। अब ये समझ लो कि हो गए हैं। अभी थोड़ा सा ये नरम है, हल्का सा और इसे भून लेते हैं। मखाने हमारे हो गए हैं, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। मखाने को हमने देखिए मिक्सी जार में बारीक पीस लिया है और मूंगफली को भी पीस लिया है। तो अब हम कढ़ाई में डालते हैं घी। तो हम घी यहीं पे डाल देते हैं और घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा पिघल गया है, अब इसी में मैं डाल दूंगी सूजी और इसे मैं भूनूंगी। अब चम्मच को हटा देती हूँ मैं। अब मैं इसे भूनूंगी इसी में अच्छे से। सूजी को मैं भूनूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से हो रही है, ये देखिए लगभग हो चुकी है। अब इसी में मैं डाल दूंगी सूजी को, सूजी को पकने दूंगी और इसी में मूंगफली को डाल दूंगी, जो मैंने मूंगफली को पीसा हुआ था भिगो कर। तो इसे भी मैं इसी में डाल देती हूँ। आप जब हलवे को बनाएं तो नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। तो मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, तो मेरे पास जो भी घर के सामान रहते हैं मैं उसी से बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है किसी चीज़ की, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की। तो मैं मूंगफली को भी भून लूँगी अच्छे से। ये देखिए मूंगफली भी हमारी अच्छे से भून चुकी है और यहीं पे अब मैं डाल दूँगी दूध। तो मैंने छोटे गिलास से 1 गिलास दूध लिया है, दूध को मैंने डाल दिया, ये देखिए। और यहीं पे अब मैं डाल दूंगी जो हमने मखाने पीसे हुए थे। मखाने को भी इसी में मिक्स करूंगी और चलाते हुए इसी तरह भूनूंगी। देखिए मखानों को भी डालकर मैं भूनूंगी अच्छे से। इसी तरह मैं मीडियम आंच पर धीरे धीरे भून लूंगी। जो मैंने यहाँ पर गुड़ भिगो कर रखा था, तो इसी में मैं गुड़ डाल देती हूँ और अब इसे मैं इसी तरह चलाती रहूंगी और भूनती रहूंगी। आप गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि इसे मीठा भी तो होना चाहिए, तभी तो इसमें टेस्ट आएगा। ये देखिए हमने इसे गुड़ डालने के बाद में 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाया और धीमी आंच पर भूना। ये हमारा हलवा बनकर रेडी है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़े से किशमिश।
आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये किशमिश थे तो मैंने किशमिश डाल दिए। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए हलवे को हमने सर्व कर लिया है प्लेट में और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, तो एक बार आप इसे बनाना ज़रूर और देखना खाने में, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।